खान और जैकलिन फर्नांडिस जो कि अब्बास मस्तान की थ्रिलर रेस 2 में अहम किरदार निभा रहे हैं, इस फिल्म के एक सीन में स्वॉर्ड फाइट करते दिखने वाले हैं, जिसके लिए वियतनाम से स्पेशल ट्रेनर्स बुलवाए गए हैं। वैसे जोधा अकबर में भी हमने ऋतिक और ऐश्वर्या को स्वॉर्ड फाइट करते देखा है। इमरान खान उनकी नेक्स्ट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 में गैंगस्टर असलम का रोल निभाने वाले हैं और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने इमरान को अपना 5 किलो वजन बढ़ाने के लिए कहा है, सो दैट ही लुक्स बीफ्ड अप फॉर द पार्ट। अजय देवगन, जिन्हें कार रेसिंग का बहुत शौक है, रिसेंटली अनिल कपूर को चैलेंज कर बैठे कि अनिल उन्हें कार रेसिंग में हरा कर दिखाएं। अनिल ने भी इस चैलेंज को काफी स्पोर्टिंगली लिया है और अब इनके बीच 23 मई को रेस होने वाली है। ये दोनों दिल्ली के F1 ट्रैक पर फॉर्मूला 1 कार्स चलाएंगे। शाहिद कपूर की सारी फिल्में किसी न किसी वजह से शेल्फ हो गई हैं, जिस वजह से फिलहाल शाहिद के पास काफी फ्री डेट्स हैं और इस मौके का फायदा उठाया डायरेक्टर शाद अली ने, जिन्होंने शाहिद को उनकी नेक्स्ट फिल्म एक वनीला दो पराठे के लिए साइन कर दिया, जिसकी शूटिंग मई से शुरू हो जाएगी। हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने आए बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई नामी सेलेब्स, देखते हैं इसकी एक खास झलक।